विक्रम सिंह साहब के पास मैं आना चाहता हूं। विक्रम सिंह साहब, इसमें जांच का यहां तक पहुंचना, मैं ये जानना चाहता हूं मुख्य रूप से ये कि एक क्या यहां पर आपको कुछ लोग मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पिता जो उनके हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले एक बात कही थी और बाद में यह घटना घटी। क्या इस तरह की चीजों के लिए उनको आधार मिलता है क्या उनके उस बयान से? एक दूसरे यहां पर इसी जांच में यह साबित होना कि वो उनके उनके ऊपर ये धाराएं लगनी चाहिए, क्या ये अपने आप में साबित करता है कि जांच में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रही? दिनेश जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। आपके पहला प्रश्न जो है राजनैतिकता से पुट है, इसलिए उसका उत्तर मैं राजनैतिक नहीं केवल औचित्य के आधार पर दूंगा जो कि कानून व्यवस्था से आच्छादित है। माननीय मंत्री जी के सुपुत्र एक आरोपी हैं, इसलिए उनको अपने आप को इस प्रकरण से दूरी बनाए रखनी चाहिए थी जो कि उन्होंने नहीं बनाई। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस की आलोचना की, ये दोनों चीजें जो थी आपत्तिजनक है। उनको समझ लेना चाहिए था कि वो स्वयं आरोप के घेरे में हैं और उनका पुत्र एक आरोपी है, इसलिए उनको इससे परहेज करना चाहिए था। उन्होंने नहीं किया, दूरी नहीं बनाई और शायद जो भी उनकी मजबूरियां रही हो उनके द्वारा ये जो दो कृत्य किए गए थे इसका कोई औचित्य नहीं है। और इसके बारे में मेरा परामर्श होगा SIT को कि उनके कम से कम इसके बारे में जरूर पूछताछ की जाए किन परिस्थितियों में उन्होंने स्थानीय पुलिस और प्रशासन को सचेत और सतर्क रहने के लिए परामर्श दिया था। इसका कोई औचित्य नहीं है। अब हम बात आते हैं धाराओं को बढ़ाया जाना और निकाला जाना। देखिए धारा 154 CRPC दिनेश जी कहती है द स्टेशन हाउस ऑफिसर शैल रजिस्टर अ केस इफ द कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजिबल ऑफेंस। हिंदी में कहें यदि आवेदन पत्र में आवेदक के एक संज्ञेय अपराध की सूचना है तो थानाध्यक्ष उस पर अपराध पंजीकृत करेगा, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आपके सामने वो धाराएं थी तो 307 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपको पहले ही चरण में लागू करना चाहिए था। क्या परिस्थिति है कि आपने पहले चरण में इन दो धाराओं को शामिल नहीं किया? बहरहाल ये भी विकल्प विवेचक के पास रहता है कि आप बाद में भी कर लें, लेकिन बाद में इतने अंतराल के बाद और सुप्रीम कोर्ट की 3 फटकार के बाद कम से कम दिनेश जी मुझे ये चीजें असंतोषजनक लग रही हैं और ये नहीं होनी चाहिए। आपकी पूरी विवेचना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई है क्रिमिनल ज्यूरिसप्रूडेंस से हमारे देश में? और सुप्रीम कोर्ट को अगर 3 बार फटकार लगानी पड़े तो दिनेश जी मुझे तो अपने मेरे अपने रिजर्वेशन से पूरी विवेचना के घटनाक्रम को लेकर, मैं यूपी पुलिस का नमक खाया 36 साल, मैं तो ये जानता था कि यूपी पुलिस जो विवेचना करेगी वो अंतिम शब्द है विवेचना का और उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है। और अगर 3 बार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हम धाराओं का समावेश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा था क्या इतने दिनों में आप केवल इतने ही गवाहों का नाम ले पाए? हत्या के ऐसे प्रकरण में आप किस तरह चल रहे हैं? ये चीजें ऐसी थी जिसमें पुलिस के शीर्ष नेतृत्व को हस्तक्षेप करना चाहिए था वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था। वास्तविकता दिनेश जी ये है कि हमने वक्त के बहुत बाद और उम्मीद से बहुत कम प्रस्तुत किया है। दिनेश जी वक्त के बहुत बाद और उम्मीद से बहुत कम प्रस्तुत किया है अपराजिता जी, तो अब तो ये बात भी एक तरीके से समानांतर रूप से चल रही है कि क्या विवेचना भी ढंग से हो पाई है। विवेचना ढंग से अगर नहीं हो पाई है और ये स्थापित पाया जा रहा है, बल्कि और बहुत कुछ स्थापित पाया जाना चाहिए था, तो फिर तो ये लग रहा है कि पद का ऐसे में इंटरफेरेंस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। देखिए इस पूरे मसले का एक पक्ष सराहनीय है, अभिनंदनीय है, बहुत लोग हैं जो शायद स्वीकार न करें, लेकिन जो सत्य है निश्चित तौर पर मैं उजागर करना चाहूंगी। गृह राज्य मंत्री केंद्र सरकार में हैं श्री अजय मिश्रा जी, लेकिन 48 घंटे में राज्य सरकार की क्राइम ब्रांच ने बेटे को अरेस्ट किया और उसके बाद SIT का ऐसा रिपोर्ट आया जो मुझे लगता है बिल्कुल किसी भी तरह से किसी भी कॉर्नर से किसी भी कोने से प्रभावित नहीं था। तो देखिए राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके अलावा हमें मानना होगा कि क्राइम ब्रांच राज्य के गृह विभाग के साथ हाथ जोड़कर काम करती है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से हूँ, उड़ीसा राज्य में थी, मुझे पता है, आप सबको ज्ञात होगा। तो ऐसी स्थिति में भी इस तरह का रिपोर्ट आना, इस तरह का रिपोर्ट पेश किया जाना और 48 घंटे में बेटे को
बंद सलाखों के अंदर डालना मुझे लगता है ये काबिले तारीफ है। कहीं भी किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है, केंद्र सरकार या हो या यूपी की सरकार हो, हम सब चाहते हैं कि कानून अपना काम करे और हमें लगता है कि आज के संदर्भ में हमें कानून को अपना काम करने को देना चाहिए। बस थोड़ी देर के लिए मैं ये गुजारिश करूंगा, जो सत्य है वो निकल कर आएगा। ठीक है, आपकी बातें पूरी तौर पर मैं मानता हूं, बल्कि यहां लोग जो मौजूद हैं वो भी कुछ देर के लिए मान रहे हैं पूरे तौर पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।